मैं तो अभी हाउसवाइफ हूँ एंड 10-12 साल से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ इसमें और पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर बना। रही हो, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आज से पोर्टफोलियो बना रहे हो। यस और ये स्टॉक्स चंद्रिका मैम आप कैसे डिसाइड करते हो, खुद ही अपना कॉल ले रहे हो? नहीं एक्चुअली हस्बैंड काफी मेरे को उन्हीं के हिसाब उनके गाइडेंस से मैं सब कुछ कर रही हूँ। अभी इंडिपेंडेंटली कर पा रही हूँ और वो ही मेरे को सब बताते कि कैसे करना क्या करना, तो उनके गाइडेंस और CNBC आवाज में देखती हूँ हमेशा, तो वो वो तो दोनों। आप चैनल पे इसलिए बोल भी रहे होगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा मैं ठीक है, तब ठीक है, तब तो... मान लिया। चंद्रिका मैम तो मतलब ये पोर्टफोलियो जो है बढ़िया कर रहा है, हाँ इसका यस मतलब ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हस्बैंड गाइड कर रहे हैं या फिर जेन्युइनली अच्छा कर रहा है? जेन्युइनली अच्छा कर रहा है। हाँ ठीक बात। अच्छा चंद्रिका मैम पहला सवाल, मेरे पास 35 शेयर्स ऑफ लक्ष्मी मशीन वर्क्स एट द रेट ऑफ 3,500 पर शेयर एंड उसको मैं अभी होल्ड अनदर 3 to 5 years तक कर सकती हूँ। देखिए उसका प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा यदि मैं करती हूँ 3 to 5 years। 3,500 पे खरीदा हुआ लक्ष्मी मशीन वर्क्स और इस समय का भाव 17,000 और होल्ड कर सकते हैं। सॉरी सवाल क्या है, होल्ड करूं और ऐड करूं ये भी पूछा क्या आपने? एड नहीं होल्ड करना है तो अनदर 3 to 5 years होल्ड करने से इसका प्रॉस्पेक्ट क्या रहेगा। भाई कैसा लग रहा है चार्ट्स पे लंबी अवधि के लिहाज से लक्ष्मी मशीन वर्क्स? अमित जी बहुत बढ़िया लेवल्स पे मैम की बाइंग, हर एक स्टॉक पे बढ़िया कमाई हो रही है और 45 है मेरे पास, तो 35। जी गुड आफ्टरनून मैम। आशीष जी, अगर इनका व्यू जैसे कि इन्होंने कहा मैम ने कि 4 से 5 वर्षों का, तो मैं मंथली चार्ट्स में जाना चाहता हूँ। मंथली चार्ट्स का अगर स्ट्रक्चर देखे तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पिछले मंथ हमने काफी अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे देखी और उसके भी हाई पे ये ट्रेड कर रहा था, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट काफी रेयर स्टॉक्स होते हैं जो मंथली में भी हायर आए हायर लोज बना रहे हैं। स्टॉक ने लगभग 15,000 के लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट्स पे और अभी भी बड़ा कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो मैम को मेरी राय ये है कि इसमें बने रहें, प्रोजेक्शंस काफी अच्छे हैं, मुझे लगता है 20,000 21,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा 16,000 का लगा के रखिए क्योंकि आपको प्रॉफिट बुकिंग लेवल का एक स्टॉप लॉस रहेगा, बट देर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है अभी तक, तो बने रहें इसमें। बहुत बढ़िया, क्या गेन्स हैं। और अभी भी 20-21 हज़ार तो वैसे ही नज़र आ रहे हैं, उन लेवल्स के आसपास आए तो एक बार रिविजिट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा मुनाफा बांधना है या नहीं बांधना है। इस बीच